गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम तुलक सागर एक नाम एक नाम। बचपन में तुमने पिता की जेब से पैसे निकाले थे तो पिता तो गुस्सा नहीं हुए थे ना? पिता तो सोचते थे बच्चा है निकाल लिया खर्च करेगा, कोई बात नहीं है। बचपन में पिता के जेब से पैसे निकालते तब पिता को गुस्सा नहीं आया, और आज बुढ़ापे में बाप यदि तुम्हारी जेब से पैसा निकाले तो तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, युवाओं से मेरा प्रश्न है, आज आपको गुस्सा क्यों आता है? आज पिता को इजाजत क्यों लेना पड़ती है? एक बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, मान्यवर, जब तुम छोटे थे ना, ये वही बाप है, तुम्हारे घर में एक चिड़िया आती थी, तुम बचपन में छोटे में पूछते थे पापा ये क्या है, पापा कहते थे बेटा चिड़िया है। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया आती थी, पापा ये क्या है, बेटा ये चिड़िया है। फिर चिड़िया आई, पापा ये क्या है, तुमने 10 बार पूछा, बाप ने 10 बार बताया बेटा ये चिड़िया है, पापा को गुस्सा नहीं आया ना? और जब बुढ़ापे में एक बाप किसी बात को 2 बार पूछ लेता है तो आप कहते हो तुम्हें 1 बार का समझ में नहीं आता है, बार बार पूछते रहते हो, कितनी बार समझाऊं तुमको बताओ? तुमने 10 बार पूछा तो पापा ने गुस्सा नहीं किया, आज पापा ने 2 बार पूछ लिया तो तुमको गुस्सा आ गया। तुम कहते हो कि मां बाप जिद करते हैं, बुढ़ापे में परेशान करते हैं। तुमने भी बहुत जिद की थी जब तुम अपने मां बाप के साथ बाजार गए थे, खिलौने के लिए मचल गए थे, पापा यही खिलौना लूंगा, पापा के पास पैसे नहीं थे, पापा मुझे यही वाला चाहिए। सोचिए, आप विचार करिए, बाप के पास कुछ नहीं था, तुमने डिमांड की, तुमने जिद की, तुम भी तो सड़क पर मचल गए थे, बाजार में रोने लगे थे, तब पापा को गुस्सा नहीं आया। और आज मां बाप थोड़ी सी जिद कर ले तुमको गुस्सा आ जाता है। किस काम की जिंदगी है ये तुम्हारी? मान्यवर, विचार करिए, तुमने कितना परेशान किया है मां बाप को, उस परेशानी का यदि 1% भी चुका सको तो मां बाप खुशी से अपनी जिंदगी जी लेंगे। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मां बाप का सम्मान ना कर सको कोई बात नहीं है, ज्यादा उनका मान प्रतिष्ठा ना दे सको कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आपसे आज एक निवेदन है, इज्जत ना दे सको कोई बात नहीं, मगर ऐसा तो करो कि मां बाप इज्जत से उस घर में रह सके, ध्यान रखे, इतना तो कर सकते हो ना कि सम्मान की जिंदगी जी सके वो। क्या करते हम मां बाप के लिए? स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े संत हुए, अमेरिका गए, उन्होंने अपना भाषण दिया, प्रवचन दिया, मां पर बहुत अच्छा बोलते थे, वो कहते थे मां से अच्छा कुछ नहीं होता, मां से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई कर्तव्य नहीं होता हमारा। विवेकानंद से किसी जिज्ञासु ने पूछ लिया, आप मां की इतनी महिमा गाते हैं, मां में ऐसा क्या है? धरती पर आए हैं तो मां तो मिलेगी मिलेगी, इसमें कौन सा एहसान? हर मां बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया उन्होंने, धरती पर आओगे तो मां बाप तो मिलेंगे ही मिलेंगे। विवेकानंद ने कहा, यह प्रश्न कोई भारत का आदमी पूछ रहा है कि मां में ऐसा क्या है? स्वामी विवेकानंद ने उसे बुलाया कि इधर आओ। वो एक साफा बांधते थे, उन्होंने अपनी पगड़ी खोली, बोले इसे पकड़ो। उसने कहा, स्वामी जी ये क्या है? बोले पकड़ो। उसने पकड़ा, और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जाओ मेरी सभा गृह के बाहर, 1 किलो का पत्थर पड़ा है उसे उठा के ला। बोले स्वामी जी मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए, ये पत्थर अत्थर में से नहीं उठेगा। बोले देख, मां बाप के संदेह में उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं हुआ करता है, पत्थर का जवाब स्वामी विवेकानंद नहीं देते, पत्थर का जवाब पत्थर ही दिया करता है, जाओ और पत्थर उठा के लाओ। वो पत्थर उठा के लाया, स्वामी जी ने कहा अपने पेट में
बांध करके पूरे नगर के 3 चक्कर लगा के आ। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता है? बोले मुझे उत्तर चाहिए। बोले उत्तर मैं नहीं दूंगा, उत्तर पत्थर देगा। मां बाप के खिलाफ उठा प्रश्न पत्थर है, उत्तर भी पत्थर ही देगा। जाओ। उसने बांधा पूरे परिक्रमा। बोले थोड़ी देर बांधा फिर छोड़ दिया। बोले मेरे से नहीं होगा ये। बोले क्यों? बोले स्वामी जी आप इतने बड़े विद्वान हैं, मनीषी हैं, ज्ञानी हैं, मैं पेट में पत्थर बांध के घूमूंगा तो लोग हंसेंगे, मेरा मजाक बनेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे शर्म आती है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये कोई उत्तर है क्या? बोले यही उत्तर है, जब तुझे 1 किलो का पत्थर बांध के घूमने में शर्म आती है, बोल तेरी मां 9 महीने तुझे पेट में रखकर कैसे घूमी होगी, उसे शर्म नहीं आई होगी, और आज तुझे शर्म आई और तूने पत्थर फेंक दिया। अरे मूर्ख, यदि तेरी मां को शर्म आती हो तुझे कोक से निकाल कर फेंक देती, तो आज मेरी सभा में प्रश्न पूछने की औकात तेरी नहीं होती। इस ध्यान रखिए, ये मां बाप का उपकार हुआ करता, ये मां बाप की बदौलत है। एक बात याद रखना मेरे भाई, आज तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है वो माँ बाप की बदौलत है। ध्यान रखिए, माँ बाप नहीं होंगे तो कहां से डॉक्टर बन जाओगे, कहां से इंजीनियर बन जाओगे? अरे माँ बाप का एहसान मानो, एहसान मानो इस माँ का। गर्भपात की दुनिया में भी तुम्हें जन्म देने की ताकत रखी है उसने, यदि जन्म से पहले मार देती तो आज यहां बैठ के प्रवचन नहीं सुन रहे होते तुम लोग। आज जो इज्जत तुमने कमाई है ना, ये मत सोचना कि पढ़ लिख के इज्जत कमाई है, ये मत सोचना कि दौलत कमा के इज्जत कमाई है। आज किसी संत की सभा में इज्जत से बैठे हो तो अपनी बदौलत नहीं, अपने मां बाप की बदौलत बैठे हुए हो। ध्यान रखिए, मेरा आपसे निवेदन है, यदि ये मां तुम्हें जन्म दे के किसी कचड़े घर में फेंक देती ना, जैसे आज बुढ़ापे में तुम उसे फेंक रहे हो, यदि बचपन में इस मां ने फेंक दिया होता ना, तो ना तुम्हारी जात का पता चलता, ना तुम्हारे बाप का पता चलता, और इस धरती पर नाजायज औलाद बनकर जीते रहते, कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होता। मेरे भाई, माँ बाप ने जिंदगी भर अपना चरित्र बचाया है, इस माँ ने अपने सतित्व को बचाया है, उस पिता ने अपने चाल चलन को सुधारा है, तब जाकर तुम इस समाज में इज्जत की जिंदगी जी रहे हो। मेरे भाई ध्यान रखिए, ये इज्जत भी माँ बाप से मिली है, ये नाम भी माँ बाप से मिला है, और तुम्हें डॉक्टर बनाने से पहले तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना माँ बाप ने देखा था, तुमने बाद में, तुम्हें तो अकल भी नहीं थी, तुम्हें तो समझ भी नहीं थी कि इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, माँ बाप तुम्हें बनाते हैं। आज तुम जहां भी हो, संतों की बदौलत, भगवान की बदौलत हो या ना हो, माँ बाप की बदौलत आज तुम जहां पर भी हो, ध्यान रखिए, माँ बाप का हाथ है इसमें। बूढ़ा दुखी हो गया, बहुएं पसंद नहीं करती, घर जाता बूढ़ा तो ऐसा लगता जैसे किसी जेल में प्रवेश कर रहा हो। पत्नी भी नहीं, फोटो लगी है पत्नी की, लेटा हुआ है पलंग पर, कभी पत्नी को देखता है, कभी अपने आप को देखता है। रात कटती है करवट में, पता नहीं चलता कितनी लंबी रात है। यूं तो अमावस 15 दिन में 1 बार आती है, लेकिन उस बूढ़े की जिंदगी में तो अमावस ही अमावस थी, पूर्णिमा तो कभी आ ही नहीं पाई। सुबह ताने भरे शब्दों से नाश्ता मिलता, उलाहना देकर के 2 रोटी मिलती, करते क्या हो तुम यहां बैठे बैठे? कुछ नहीं बोला बूढ़ा, ठीक है जाए भी तो जाए कहां, बड़ा दुखी था। मर भी नहीं सकता, मौत भी नहीं आती, जी भी नहीं सकता, जीने जैसा कुछ बचा भी नहीं है, बहुत दुखी वह बूढ़ा। थोड़ा बहुत टहलाता, यार दोस्तों में बैठता, शरीर में ताकत नहीं कुछ कमाए, कुछ मेहनत करे, कोई ढंग से बात नहीं करता, बेटे के पास टाइम नहीं, वो क्लिनिक से आता, वो साइट से आता, नहाता धोता, टीवी के सामने बैठा, बूढ़े बाप से कोई कुछ नहीं पूछता। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा,
बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कोई बूढ़े माँ बाप नहीं कहेंगे अच्छा कमरा दो, अच्छा बंगला दो, गाड़ी दो, मोटर दो, अच्छा खाना दो। कोई माँ बाप नहीं। आपसे निवेदन है, जब कोई बेटा विदेश जाता है ना घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, अरे वो पत्नी से पूछता है क्या लेकर आऊं, तो पत्नी कहती है मेरे लिए हार लेकर आना। बच्चे से पूछता बेटा तेरे लिए क्या लेके आऊं, वो कहता है मोबाइल लेके आना। बहन से पूछता है तेरे लिए क्या लेकर आऊं, वो कहती है अच्छे से सूट लेकर के आना। लेकिन जब माँ से पूछता है माँ मैं विदेश जा रहा हूं बता तेरे लिए क्या लेकर आऊं, तो माँ कहती है मेरे पास सब कुछ है मेरे बच्चे, कुछ लाए या ना लाए मेरा लाल तू वापिस आ जाए, इससे बड़ा उपहार मेरे लिए दुनिया में कोई दूसरा नहीं। एक माँ है जो केवल तुम्हें चाहती है, तुम्हें बस, बाकी सारे रिश्ते तो तुमसे कुछ चाहते हैं। ध्यान रखिए तुम्हें चाहने वाला कौन है। मान्यवर क्या चाहिए एक बूढ़े माँ बाप को? पत्नी डिमांड कर सकती है साड़ी की, आभूषण की, माँ बाप तो नहीं करते। कोई उन्हें अच्छा पहनना नहीं चाहिए, उन्हें अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए, उन्हें तो सब जीवन जी लिया है। ध्यान रखना लड़कों से मेरा निवेदन है, बूढ़े माँ बाप को केवल प्रेम के दो शब्द चाहिए, रूखी रोटी दे देना, ऑफिस से दुकान से जब भी लौटो दो मिनट अपने माँ बाप के पास जरूर बैठना, उनका हाल चाल पूछ लेना, समस्या का समाधान कर पाओ या ना कर पाओ दो शब्द प्यार के बोलना कि पापा जी कोई तकलीफ तो नहीं है ना, कोई कष्ट तो नहीं है ना, आपकी तबीयत ठीक है ना, बस इतना बोल दो। ध्यान रखिए कुछ नहीं चाहिए माँ बाप को, एक माँ को इतना ही तो सुनना है कि माँ से इतना बोल दे बेटा कि मम्मी तू ठीक है ना। मैं आज आपसे पूछता हूं, एक सच्चा बेटा होगा तो आज जाके घर में माँ बाप से पूछेगा कि माँ बाप माता पिता जब तुमने मुझे जन्म दिया था क्या सोच के जन्म दिया था। एक बात पूछना प्रश्न अपनी माँ बाप से, क्या सोच के तुमने जन्म दिया था मुझे, आप बताओ पिताजी जैसा आपने सोचा था मैं उसके अनुसार हूं या नहीं हूं। पूछ लो एक बार अपने माँ बाप से कि नरमानों से जन्म दे के पाल पोस के बड़ा किया था मैं आपकी इच्छाओं के अनुरूप जीवन जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। और माँ बाप यदि कुछ ना बोले तो समझना कि तुम अभी वैसा जीवन नहीं जी रहे हो। और मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि माँ बाप यदि चुप हो जाए तो कसम खा लेना कि आज से मैं माँ बाप के अनुसार जिंदगी जीने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए और जो बेटा ऐसा कर लेगा वो किसी संत से कम नहीं हुआ करता है बेटा। मान्यवर बड़ा लड़का कहे कि मैं नहीं रखता, छोटा लड़का बोले मैं नहीं रखता इस बूढ़े बाप को, कोई नहीं रखता है, दोनों भाई अलग अलग हो गए, उस बूढ़े को कोई रखने को तैयार नहीं, दोनों का बंटवारा हो गया, एक ने दूसरा मकान ले लिया, एक ने दूसरा मकान ले लिया। एक कहता है कि पिताजी अब कहां जाओगे तुम, मालूम है ऐसे ऐसे बुढ़ापे कट रहे हैं इस धरती पर। बड़ा बेटा कहता है 15 दिन मेरे पास रहना, 15 दिन छोटे के पास रहना। ध्यान रखना वो जब 31वें का महीना आ जाता है ना बड़ा रखता है ना छोटा रखता है, वो आदमी मंदिर में गुजारता है दिन। ध्यान रखिए मान्यवर जब तनख्वाह आती है तो बड़ा कहता है मुझे दो पेंशन मुझे चाहिए, छोटा कहता है पेंशन मुझे चाहिए। बाप की दौलत सबको चाहिए, बाप किसी को नहीं चाहिए। ध्यान रखिए मान्यवर यही राम राज्य है, यही भगवान महावीर का देश है, यही रामकृष्ण का देश है। जिस कृष्ण की पूजा करते हो उसने एक माँ नहीं दो दो माँ को जगत पूज्य बना दिया, जन्म देने वाली देवकी और पालने वाली यशोदा को भी सारे जगत का सम्मान प्रदान कर दिया। विचार कर राम जैसे बेटे जो वनवास देने वाली माँ को भी अपनी माँ कह करके बुलाया करते हैं। ध्यान रखिए क्या किया है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ जो बुढ़ापे में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। मान्य बसाओ घर उजाड़ो मत, थोड़ी सी समझ रखो समझदारी रखो। आप भी माँ बाप बनेंगे, आपकी भी औलाद होगी, जो दिन बूढ़े माँ बाप को दिखा रहे वो दिन तुम्हें भी देखना पड़ेंगे। ध्यान रखिए मान्यवर क्या हो जाता है बचपन में दो भाई लड़ते हैं माँ बाप के सामने,
तो छोटे थे ना जब तुम लड़ते थे दोनों भाई, कहते थे मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है। छोटा कहता था नहीं चल हट, मम्मी मेरी है। छोटे थे तो कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और बड़े होकर कहते हो माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। मेरी कहने वाला कोई नहीं इस धरती पर मान्यवर। विचार करिए, जिस घर में माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएं, तुम्हारा किया हुआ सारा पुण्य माँ की आंसुओं की धार में बह जाया करता है। कितना भी दान कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, कितना भी धर्म कमा लो, माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, सारा पुण्य बह जाएगा तुम्हारे माँ बाप के साथ। ध्यान रखना, सब खत्म हो जाएगा जो कुछ भी है माँ बाप की बदौलत है तुम्हारे घर में। उजड़ जाती है दुनिया माँ बाप के बिना। आज तुम्हें माँ बाप की कीमत नहीं मालूम, उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, जार जार रोते हैं उन्हें याद करके। ध्यान रखिए मान्यवर, बहुत कीमती होते हैं माता पिता, बहुत बड़ी तपस्या होती है उनकी। ये दिन झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, बेचारा बूढ़ा बीमार हो गया, खांस रहा था, खकार रहा था, बहू बड़ी बहू और बेटे में झगड़ा हो गया। बहू ने कहा देखो जी, ये तुम्हारे पिताजी से बहुत परेशान हूं मैं। पिता के कान में शब्द पड़े, लेटा है बाप दूसरे कमरे में। लड़के ने कहा तुम्हें कर क्या सकता हूं। बोले इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, व्यवस्था सब अपन कर देंगे, छोड़ दो इन्हें किसी वृद्धाश्रम में। बूढ़े के कान में ये शब्द पड़े, वो रात उसके जीवन की सबसे बुरी रात थी। वो अपने मकान को देखता है कि वही मकान है जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, औलाद का एक रुपया नहीं लिया था, ये तो छोटे छोटे थे, ये मकान मैंने बनाया था। और जब ये मकान बन रहा था मैं देखने आता था, तो बड़ा बेटा कहता था ये कमरा मेरा होगा, छोटा कहता था ये मेरा होगा। पापा जी तुम्हारा कमरा सबसे अच्छा होना चाहिए, कहां गए वो बच्चे। आज अपने ही घर से कहा जा रहा है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान।